नमस्कार, मिशन 24x7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नितेश गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से और उसके बाद आपको दिखाएंगे सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो आइए सबसे पहले हेडलाइन पर नज़र डालते हैं। जलालाबाद में कोलाघाट रामगंगा पुल के पास दो बाइकों की हुई जबरदस्त टक्कर। टक्कर लगने से दो महिलाएं हुई गंभीर रूप से घायल। घायल महिलाओं को उपचार के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। दीपावली के त्यौहार को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने नगर में की पैदल गश्त। नगर के मुख्य चौराहों, बाजार और भीड़भाड़ वाले इलाकों में संदिग्ध व्यक्तियों की ली गई तलाशी। कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना तिलहर विधायक सलोना कुशवाहा के आवास पर पहुंचे। विधायक सलोना कुशवाहा ने कैबिनेट मंत्री को तिलक लगाते हुए किया जोरदार स्वागत। कैबिनेट मंत्री के साथ सांसद अरुण कुमार सागर भी रहे मौजूद। और जलालाबाद के गुनारा गांव में जलभराव की समस्याओं को लेकर गांव के युवाओं ने SDM को सौंपा ज्ञापन। युवाओं का कहना, मुख्य मार्ग पर जलभराव और गंदगी की वजह से संक्रामक रोगों के फैलने की बनी हुई आशंका। जलालाबाद इलाके में कोलाघाट रामगंगा पुल के पास दो बाइकों की टक्कर हो गई। टक्कर लगने से दो महिलाएं चोटिल हुई हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना कोलाघाट पुल के पास रायपुरा गांव के सामने की है। पुवाया के देवरिया स्थित दशमेश एकेडमी में आज दीपावली का त्यौहार मनाया गया। यहाँ स्कूल की शिक्षक शिक्षिकाओं ने बच्चों के साथ दीपावली का त्यौहार मनाया। यहाँ बच्चों द्वारा सुंदर रंगोली बनाई गई थी। इस दौरान बच्चों ने फुलझड़ियाँ भी छुड़ाईं। कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना आज शाहजहांपुर पहुंचे। सुरेश कुमार खन्ना ने अमर शहीद अशफाक उल्ला खां की मजार पर चादर पोसी कर उन्हें याद किया। धनतेरस और दीपावली के त्यौहार को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने पैदल गश्त की। आज नगर के प्रमुख चौराहों, बाजार और भीड़भाड़ वाले इलाकों में भ्रमण कर संदिग्ध व्यक्तियों और वस्तुओं सहित वाहनों की भी चेकिंग की गई। जलालाबाद पुलिस ने शांति भंग करने के मामले में चार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। तो वहीं पुलिस ने असामाजिक तत्वों को चेतावनी दी है कि माहौल खराब करने वाले लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। भटपुरा रसूलपुर के JP पब्लिक स्कूल में भी आज दीपावली का त्यौहार बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। यहां बच्चों द्वारा सुंदर दीप सजाए गए थे, जिन्हें प्रज्वलित किया गया। तो वहीं विद्यालय के प्रबंधक और ग्राम प्रधान अनिल कुमार गुप्ता ने पूरे स्टाफ को मिठाई देते हुए त्यौहार की बधाई दी। इस दौरान ग्राम पंचायत के कर्मचारियों को भी माला पहनाकर सम्मानित किया गया और मिठाई भी वितरित की गई। कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना तिलहर विधायक सलोना कुशवाहा के आवास पर पहुंचे। यहां जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान विधायक सलोना कुशवाहा ने कैबिनेट मंत्री को तिलक लगाते हुए मुकुट पहनाकर जोरदार स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री के साथ में सांसद अरुण कुमार सागर भी मौजूद रहे। स्कूली बच्चों को बचत के लिए प्रेरित करने का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम रौजा के हरि कौशल त्यागी पब्लिक स्कूल में आयोजित हुआ था। यहां बच्चों को पॉकेट मनी से छोटी छोटी बचत करने के प्रति जागरूक किया गया और गुल्लक सजाओ प्रतियोगिता का आयोजन भी कराया गया। साथ ही दीपावली के लिए बच्चों से रंगोली, दीपक और झालर बनवाने की भी प्रतियोगिता कराई गई। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि नगर आयुक्त संतोष कुमार शर्मा पहुंचे, जिन्होंने बेहतर सजावट करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर पुरस्कृत किया। शाहजहांपुर जिला जेल में बंद कैदी परिवार का भरण पोषण भी कर रहे हैं। दरअसल जिला जेल में बंद कैदियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण, गमला निर्माण, कृषि कार्य, विद्युत उपकरण मरम्मत और चक्की मिस्त्री सहित कई अलग अलग ट्रेड के तहत प्रशिक्षण देकर कैदियों को हुनरमंद किया जा रहा है, जो अब जेल में रहकर काम करते हैं और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। वहीं आज जेल अधीक्षक मिजाजी लाल ने जेल में बंद कैदियों को उनके मेहनताने के एवज में कैदियों को चेक सौंपे हैं।
जलालाबाद के गुनारा गांव में जलभराव की समस्याओं को लेकर गांव के युवाओं ने उपजिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। युवाओं का कहना है कि गुनारा गांव के मुख्य मार्ग पर जलभराव और गंदगी है, जिसकी वजह से गांव में संक्रमण रोगों के फैलने की आशंका बनी हुई है। साथ ही लोगों ने यह भी बताया कि मुख्य मार्ग के पास बाल कृष्ण मंदिर के पास लोग घरों का कूड़ा डाल देते हैं, जिससे सड़क के किनारे बनी नालियां बंद हो जाती हैं और घरों का पानी सड़कों पर बहने लगता है। शहीद वतन अशफाक उल्लखा के 122वें जन्मदिन के मौके पर एसपी एस आनंद ने भी चादरपोशी की। एसपी सदर बाजार इलाके के अशफाक उल्लखा की बाजार पर पहुंचे और चादरपोशी करते हुए उन्हें नमन किया। एसपी के साथ में एसपी सिटी संजय कुमार, एसपी ग्रामीण संजीव कुमार वाजपेयी सहित सीओ सदर अखंड प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। नगर आयुक्त तो संतोष कुमार शर्मा ने आज रौजा इलाके में भ्रमण किया। इस दौरान साफ सफाई व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। नगर आयुक्त संतोष कुमार शर्मा ने त्योहारों के मद्देनजर रखते हुए पूरे नगर में साफ सफाई कराए जाने के भी निर्देश दिए हैं।